Class 2, we study chapter 1, My Body. Tedious. जब आप अपने फ्रेंड्स को देखते हैं क्लास में आप पढ़ते हैं या आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो आप देखते हैं कि आपका फ्रेंड्स आपसे किस तरह से डिफरेंट है. हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड से किस किस तरह से अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं. हेयर कलर में अलग हो सकते हैं, आपके बालों का कलर अलग हो सकता है, हेयर लेंथ बालों की लंबाई में भी आपके डिफरेंट हो सकता है, टॉलर लेंथ वो आपसे लंबा भी हो सकता है या आपसे छोटा भी हो सकता है, आई कलर आंखों के कलर में भी आपके डिफरेंट हो सकता है. जैसे दो फ्रेंड्स का यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एक फ्रेंड के आपके बालों का कलर ब्राउन है और दूसरे का कलर क्या है, ब्लैक है. हेयर लेंथ में एक के बाल लंबे हैं, लॉन्ग है और दूसरे के शॉर्ट है. टॉलर लेंथ में वो एक आपसे लंबा है और दूसरा आपसे छोटा है. आई कलर में एक आपका फ्रेंड जिसके आई का कलर ब्राउन है और दूसरा जो फ्रेंड है उसकी बालों का कलर ब्लैक है. तो इस तरह से उनके हेयर कलर में, उनकी लेंथ में, उनकी लंबाई में, उनकी आई कलर में वो फ्रेंड आपके आपसे दूसरा फ्रेंड भी आपसे डिफरेंट हो सकता है. Everyone has different facial feature. इसी तरह से चेहरा भी, ये facial feature का मतलब एक चेहरा दूसरे चेहरे से अलग हो सकता है. किस तरीके से अलग हो सकते हैं, pictures में देखिए. ये आपको round लग रहा होगा face, ये आपको long है और इसका shape कैसा है, oval. इन pictures से आपको पता चलता है कि face में round face भी हो सकता है, long face भी हो सकता है और oval. Oval means active. एक का जो शेप होता है उस शेप को बोलते हैं ओवल. तो इस फेसेस में नोज देखिए, इसकी नोज लंबी लॉन्ग हो सकती है, फ्लैट हो सकती है और ब्रॉड भी हो सकती है. आईज स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है और राउंड भी हो सकती है. इस तरीके से स्टूडेंट्स के या आपके फ्रेंड्स के फेस और डिफरेंस कलर्स में, लंबाई में, आईज में आपको डिफरेंट देगा. ओपन योर बुक्स, वी रीड इन योर बुक चैप्टर 1 पेज नंबर 6. ओपन योर बुक. हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स. हेयर कलर ब्राउन एंड ब्लैक, जो आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ चुके हैं. हेयर लेंथ लॉन्ग एंड शॉर्ट. टॉलर देन मी, यस और नो. आई कलर ब्राउन एंड ब्लैक. दो मोस्ट ह्यूमन बींग हैव सिमिलर बॉडी. सभी जरूरी नहीं है कि सभी जो ह्यूमन बींग है उनकी बॉडी सेम हो. इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट नो टू पीपल लुक द सेम. ये आप अच्छे से याद रख लीजिए कि दो पीपल, एनी टू पीपल, कोई भी दो लोग या दो व्यक्ति बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे. ईच पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसा होगा, डिफरेंट होगा. ईच वन ऑफ अस इज यूनिक. हर इंसान एक यूनिक होगा, जिसका ना तो फेस सेम होगा, ना आई सेम होगी, ना हेयर कलर या फिंगर्स या आईज या ईयर्स सेम नहीं होंगे. Everyone has different facial features. उनका फेस भी अलग अलग होता है. फेस आपने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा था, राउंड लॉन्ग ओवल, नोज लॉन्ग फ्लैट ब्रॉड, आईज स्मॉल लार्ज और राउंड. आपने देखा है बच्चों देखिए फेस, ये राउंड फेस आपने, मैंने ऊपर ब्लैक बोर्ड पर भी डायग्राम ड्रॉ किया है. इसका फेस लॉन्ग है और इसका फेस ब्रॉड है. आईज में भी स्मॉल आईज, लार्ज आईज और राउंड आईज. ट्वींस आपने देखा है, कभी कभी आपने अपनी क्लास में देखा होगा या अपने पड़ोस में देखा होगा कि ट्वींस बच्चे होते हैं. ट्वींस मतलब जुड़वा बच्चे, आप जानते हो. तो ट्वींस आर पर्सन हु आर बोर्न एट द सेम टाइम. ट्वींस कौन होते हैं, जिनका जन्म एक ही समय पर होता है. किससे, टू द सेम मदर, एक ही मदर से दोनों बच्चों का सेम टाइप पर जो जन्म होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं. ऑफन दे लुक द सेम, वो लगभग सेम दिखाई देते हैं. एंड इट इज़ नॉट ईजी टू टेल देम अपार्ट, और ईजिली हम ये पता नहीं कर पाते कि इन दोनों में किसका कौन है. ये दोनों इस नेम भी एटलीस्ट हम ये पता नहीं कर पाते किसका नेम क्या है और उसका क्या. बट देर आर सम ट्विंस हु डू नॉट लुक लाइक ईच अदर. पर कुछ ट्विंस ऐसे भी होते हैं जिनकी शक्ल आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती है. अब देखो बच्चों,
ये वाला डायग्राम अच्छे से पेज नंबर 8 आपकी बुक में अच्छे से देखो। अभी हमने एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े थे कि बाहर से लोग, बाहर से व्यक्ति, पीपल कैसे दिखाई देते हैं। अब हम इंटरनल स्टडी करेंगे आपकी। देखिए इंटरनल बॉडी आप फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी के पार्ट्स क्या होते हैं। अब इस वाले चैप्टर में हम इंटरनल बॉडी के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो देखिए द पार्ट इन साइड अवर बॉडीज आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन। अंदर के जो भी पार्ट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन। ये ऊपर से तो क्या है, हेड, पर अंदर इसके क्या है, ब्रेन। अवर ब्रेन इज इन साइड अवर हेड। इस हेड के नीचे क्या है बच्चों, ब्रेन। इट हेल्प अस टू थिंक, ये हमें सोचने, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। कौन करता है बच्चों, ब्रेन। उसके बाद ये हार्ट, अवर हार्ट इज इन साइड अवर चेस्ट। हमारा हार्ट किसके अंदर होता है, चेस्ट के अंदर। इट बीट्स ऑल द टाइम, ये हमेशा बीट करता रहता है, धड़कता रहता है। एंड पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ अवर बॉडी, और पूरे बॉडी में हम ब्लड को सर्कुलेट करता है, पंप करता है, पूरी बॉडी में अपना खून पहुंचाता है। उसके बाद ये देखो हार्ट के पीछे इस तरह का स्ट्रक्चर है, जिससे आपको पता है बच्चों हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो फिर अगर हम सांस नहीं लें तो हमारा क्या हो, हम मर भी सकते हैं। तो ये जो लंग्स हैं इससे क्या करते हैं हम, अवर लंग्स हेल्प टू अस टू ब्रीथ। ये हमें सांस लेने में, ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। अब लंग्स और हार्ट के नीचे देखो यहाँ साइड में एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसे बोलते हैं स्टमक। बिलो द चेस्ट, चेस्ट के जस्ट नीचे क्या होता है, स्टमक होता है। ऑल द फूड दैट वी ईट गोज इन टू द स्टमक। जो भी खाना आप खाते हो ना वो इस स्टमक में इकट्ठा हो जाता है। That we eat goes into the stomach to get digestion. यहाँ से food digest होना शुरू कर देता है। अब इसके नीचे देखो our small intestine, इसके नीचे ये जो coil बनी हुई है, घूमी हुई है, ये है small intestine। और इसी के पास इस तरह से ये M के shape की जो structure बना हुआ है, ये है our large intestine। और अवर यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ जिसमें यूरिन स्टोर होता है, इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर होता है बच्चों, यूरिन स्टोर होता है। तो इस तरह से आपने इंटरनल ऑर्गन की स्टडी आज की है। आप इसको घर पर रीड करना चैप्टर को। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर चैप्टर की स्टडी करेंगे। थैंक यू।